हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया दिन में 3:30 बजे से। और दोस्तों, ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। दोस्तों, शुरू में तो ये लग रहा था कि ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। ये मुकाबला गुजरात टाइटंस लास्ट में जीत गए। दोस्तों, ये लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी जब कायल मायर्स एंड के एल राहुल ने पावर प्ले में बैटिंग की थी। दोस्तों, पावर प्ले में 50 से ज़्यादा रन बना लिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स ने। दोस्तों, उसके बाद वापसी की गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने, और दोस्तों मोहम्मद शमी एंड मोहित शर्मा, राशिद खान, नूर अहमद ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की। और दोस्तों, ये मुकाबला लास्ट ओवर में जाकर गुजरात टाइटंस की टीम जीत गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक ओवर में 12 रन चाहिए थे लास्ट में, और दोस्तों उसकी पहली गेंद पर केएल राहुल कैच दे बैठे, और दोस्तों उसके बाद दूसरी गेंद पर कैच दे बैठे मार्कस स्टोनिस डेविड मिलर को, एंड दोस्तों तीसरी बॉल पर रन आउट हुए दीपक हुड्डा, चौथी गेंद पर भी रन आउट हो गए। दोस्तों, इस ओवर में 4 विकेट गिरे, और दोस्तों ये मुकाबला 8 रन से जीत गई गुजरात टाइटंस की टीम। और दोस्तों, ये लग रहा था ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। दोस्तों, केएल राहुल की वजह से ये मुकाबला हार गए। दोस्तों, केएल राहुल ने काफ़ी स्लो बैटिंग की थी आज के मुकाबले में, और दोस्तों केएल राहुल की वजह से ही उनकी टीम आज का मुकाबला हार गई, जो कि ये लग रहा था कि ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि राहुल की वजह से हारी है नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।